आज हम लोग के केस करने वाले हैं एक 35 साल के आदमी का, जो आपका एक्सीडेंट में उसका हेड इंजरी हो गया हुआ है। 35 ईयर मेल विथ हेड इंजरी, ठीक है ना। कमिंग टू एमरजेंसी इज ग्लासगो कोमा स्कोर वाज सिक्स। ग्लासगो कोमा स्कोर वाज सिक्स इन ड्यूरिंग एडमिशन। ड्यूरिंग एडमिशन तो अब इसमें हम लोग चेक करेंगे सब ड्यूरल हेमरेज के लिए। अब इसका वर्कअप करेंगे, वर्कअप जिसमें हम लोग सब ड्यूरल हेमरेज, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज और मैनेजर इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज के लिए हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। क्या ये यंग पेशेंट है? बिल्कुल यंग पेशेंट है ये, ठीक है ना। इसका तुम्हारा ब्लड कापी इकट्ठा हो रखा हुआ है। साइट बोला जा रहा है टेम्पोरल लोब के, यहाँ पे टेम्पोरल लोब ऑफ राइट साइड के, सॉरी टेम्पोरल बोलो पैराइटल लोब। यहाँ पे ब्लड मिल रही है पैराइटल लोब ऑफ द राइट साइड के यहाँ पे, ठीक है ना। लूसिड इंटरवल इस इंसान में मिल रही है, जब तक हम लोगों ने एनालाइज किया लूसिड इंटरवल मिल रही है। और मिडिल मेनिंजियल आर्टरी आपकी इन्वॉल्व मिल रही है। मिडिल मेनिंजियल आर्टरी इन्वॉल्व मिल रही है। बीपी इस पेशेंट का रहा है 80/60, ठीक है ना। अब हम लोगों ने इस पेशेंट का सीटी स्कैन चेकअप किया तो उसमें मुझे क्या मिल रहा है? बाईकॉन्वेक्स शेप मिल रही है क्या? बाईकॉन्वेक्स शेप नहीं मिल रहा है, लेकिन लेंटिकुलर शेप ये मिल रहा है, ठीक है ना। व्हाइट लाइन मिल रही है क्या? व्हाइट इलाका मिल रहा है, बिल्कुल व्हाइट इलाका मिल रही है। और हाइपरडेंस है कि ये? यस, ये हाइपरडेंस है, ठीक है ना। और इसमें हम लोगों को स्वर्ल साइन मिल रहा है क्या? स्वर्ल साइन नहीं, इस पेशेंट में हम लोगों को स्वर्ल साइन देखने को नहीं मिल रही है एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज में। अब एक बार सब ड्यूरल हेमरेज का भी चेकअप कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या ये यंग पेशेंट है? क्या ये ओल्ड पेशेंट है? ओल्ड पेशेंट नहीं, ये ओल्ड पेशेंट नहीं होगा, ठीक है ना। ब्रीजिंग वेन इन्वॉल्व है क्या? ब्रीजिंग वेन इन्वॉल्वमेंट ये भी नहीं है इस पेशेंट में। काउंटर कोप इंजुरी नहीं हो रखा है इस पेशेंट में, ठीक है ना। और तुम्हारा कॉन्ट्यूशन और हेड इंजुरी की हिस्ट्री ये इस पेशेंट में है। जब सीटी स्कैन में जो हमारा हॉलमार्क्स होते हैं सब ड्यूरल हेमरेज का, उसमें होते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। क्रेसेंट फॉर्मेशन ये भी नहीं मिल रही है। फिर व्हाइट बिल्कुल ये मिल रही है, ठीक है ना। ब्लैक नहीं मिल रही है। हाइपरडेंस नहीं यहाँ पे है, ठीक है ना। लेकिन कॉनकेवो कॉन्वेक्स ना होने की वजह से ये तुम्हारी एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज मान के चल रहे हैं। अब हम लोग का तुम्हारा डायग्नोसिस क्या बना? डायग्नोसिस हम लोग का बन रहा है एक्यूट एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज, ठीक है ना। ये हमारा क्या केस है? एक्यूट एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज। और इसकी प्रोग्नोसिस है गुड, ठीक है ना। इन्वेस्टिगेशन हम लोग सीटी स्कैन करके देख चुके हुए हैं, तो यहाँ पे बोल रहे हैं इंडिकेशन ऑफ सीटी। ये हम लोगों को एक्चुअली फॉर्म में भरना पड़ रहा है, तो उसमें क्या बोला जा रहा है? नंबर वन, ग्लासगो कोमा स्केल 13 से कम, बिल्कुल है इस पेशेंट में कितना है? 6 इस पेशेंट में है 6। फिर तुम्हारा एट एडमिशन 15 है, और उसके बाद घट गया है। दूसरा बोल रहा है ग्लासगो कोमा स्केल 15 से ज़्यादा था, 2 घंटे बाद 15 से कम हो गया है। ऐसा किस्सा नहीं है। तीसरा, स्कल फ्रैक्चर ठीक है ना, ये इसको हो रखा हुआ है। तो उसमें हम लोग देखते हैं क्या इसको डिप्रेस्ड फ्रैक्चर है
तो यहाँ पे मैं बोलूँगा हाँ इसको डिप्रेस्ड फ्रैक्चर है। क्या उसको ओपन फ्रैक्चर है? ओपन फ्रैक्चर है नहीं, इसको ओपन फ्रैक्चर नहीं है। और तीसरा बेस ऑफ स्कल फ्रैक्चर, बेस ऑफ स्कल फ्रैक्चर ये भी इस पेशेंट को नहीं है, ये भी इस पेशेंट को नहीं है। चौथा कोई न्यूरोलॉजिकल फोकल साइंस मिल रही है क्या? न्यूरोलॉजिकल फोकल साइन नहीं, कोई भी न्यूरोलॉजिकल फोकल साइन नहीं मिल रहा इस पेशेंट में। फिर हम लोगों ने चेक किया यूनिलैटरल और बाईलैटरल पोस्चरिंग, पोस्चरिंग नहीं ये भी इस पेशेंट में नहीं मिल रहा है। छठा हम लोगों ने चेक किया वॉमिटिंग एपिसोड्स, वॉमिटिंग एपिसोड्स ये भी इस पेशेंट में अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, डेवलप नहीं हुआ है। फिर हम लोगों ने चेक किया क्यूशिंग अल्सर के लिए, क्यूशिंग अल्सर ये भी इस पेशेंट में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक्यूट केस है, क्योंकि ये एक्यूट केस है, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला जा रहा है? तो हमारा अब हम लोग मैनेज कैसे करेंगे, मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग इसको चलाएंगे आईवी फ्लूइड, फिर ऑक्सीजन इन्हेलेशन और हम लोग क्या करेंगे एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन 1.2 मिलियन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन डाल देंगे। इसके साथ साथ हम लोग पैंटोप्रजोल का इंजेक्शन चला देंगे और साथ ही साथ एंटी कन्वल्सेंट देंगे, जिसमें हम लोग दे रहे होते हैं वेलप्रोएट, जिसमें हम लोग दे देते हैं सोडियम वेलप्रोएट चला देंगे इस पेशेंट में, ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग चेक करेंगे पोस्ट ट्रॉमा कन्वल्शन के लिए। तो पोस्ट ट्रॉमा, क्या इस पेशेंट को कन्वल्शन हो रही है? और अगर तुम्हारा दिनों से हफ्तों तक हुआ, डे टू वीक, तो ये तुम्हारी है पोस्ट ट्रॉमेटिक कन्वल्शन। लेकिन अगर तुम्हारा वीक टू मंथ में हो रही है, तो ये हो जाती है आपकी पोस्ट ट्रॉमेटिक एपिलेप्सी। इसको कन्वल्शन नहीं है, इसलिए पोस्ट ट्रॉमेटिक कन्वल्शन है, पोस्ट ट्रॉमेटिक एपिलेप्सी का केस ही नहीं है। फिर पूछ रहे क्या इस पेशेंट को सेरेब्रल एडेमा हो रखा है? सेरेब्रल एडेमा, ठीक है ना, हाँ फिलहाल के लिए हो रखा हुआ है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मैनिटॉल चढ़ा दे रहे हैं। मैनिटॉल 20% 1 ग्राम पर केजी चालू कर दे रहे हैं। क्या इसने ओरल इंटेक चालू किया है? ओरल इंटेक नहीं, अभी ये पेशेंट बेहोश है। इसी वजह से ग्लिसेरॉल हम लोग इस पेशेंट में नहीं चलाएंगे। लेकिन इस पेशेंट को हम लोग व्हेन कम टू कॉन्शियसनेस हम लोग उसको हाइपर वेंटिलेट करने को कहेंगे, ठीक है ना। हम लोग सर्जरी के इंडिकेशंस देखेंगे, ठीक है ना। क्या इसको डिप्रेस्ड फ्रैक्चर मोर देन 1 सेंटीमीटर हो रखी हुई है? बिल्कुल, डिप्रेस फ्रैक्चर मोर देन 1 सेंटीमीटर हो रखी हुई है। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज विथ मोर देन 0.5 सेंटीमीटर मिडलाइन शिफ्ट क्या इसको हो चुका हुआ है? बिल्कुल, ये भी आपका हो चुका हुआ है। फिर इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज, ठीक है ना, या फिर सब एरेक्नॉइड हेमरेज मोर देन 30 cc क्या इसको हो रखा है? नहीं, ये अभी तक नहीं हो रखा हुआ है। फिर हेमाटोमा इन टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल लोब मोर देन 3 सेंटीमीटर क्या ये हो चुका है? नहीं, ये भी नहीं हो चुका हुआ है। तो 2 पॉइंट्स मिलने के वजह से हम लोग प्लान फॉर सर्जरी जिसमें हम लोगों के पास 3 ऑप्शन होती है, बरहोल ठीक है, फिर क्रेनियोटोमी और वेंट्रिकुलोटोमी इनमें से हम लोग बरहोल को ही करना पसंद कर रहे हैं। तो बरहोल के लिए हम लोग प्लान करेंगे इस पेशेंट को।
ठीक है ना, और आईसीपी मेजरमेंट। क्या हम लोग इस पेशेंट का आईसीपी मेजरमेंट कर ले क्या? आईसीपी मेजरमेंट, ठीक है ना, ये कब कब करते हैं? जब ग्लासगो कोमा स्केल 8 से कम है, साथ ही साथ एबनॉर्मल सीटी रिपोर्ट है, सीटी रिपोर्ट है, ठीक है ना, ये इस पेशेंट में है, इसलिए हम लोग इसका इंट्राक्रैनियल प्रेशर मेजर करेंगे, ठीक है ना। तो इसका इंट्राक्रैनियल प्रेशर कितना आ रहा है अभी? इसका इंट्राक्रैनियल प्रेशर आ रहा है 30 mmHg, 30 mmHg। नॉर्मली कितनी होनी चाहिए? 7 से 15 mmHg, 7 से 15 mmHg। तो इसका इंट्राक्रैनियल प्रेशर आपकी बढ़ी हुई है, बढ़ी हुई है। तो अब हम लोग सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स देख रहे हैं। ये एक यंग पेशेंट है, ठीक है ना, उसका पैरेटल लोब में हो रखा है लूसिड इंटरवल प्रेजेंट है, लूसिड इंटरवल प्रेजेंट है, मिडिल मेनिंजल आर्टरी की भी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। सीटी स्कैन करने पे तुम्हारा लेंटिकुलर शेप दिख रही है, व्हाइट लाइन व्हाइट दिख रही है और हाइपरटेंस दिख रही है, सोइल साइन तुम्हारा एब्सेंट है, कॉन्ट्यूशन या हेड इंजरी लेकिन इस पेशेंट को हो रखा, फिर सबड्यूरल हेमरेज का वर्कअप किया तो वो तुम्हारा सही सलामत निकला। उसके बाद हम लोगों ने डायग्नोसिस क्या बना? एक्यूट एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज, प्रोग्नोसिस इसकी अच्छी खासी है, ठीक है ना। इंडिकेशन फॉर सीटी ग्लासगो कोमा स्केल इसका 13 से कम है, इसी वजह से हम लोग कर दे रहे हैं, और साथ ही साथ स्कल फ्रैक्चर हो रखा हुआ है जो कि डिप्रेस फ्रैक्चर है मोर देन 1 सेंटीमीटर का, इसीलिए हम लोग सीटी स्कैन करके यहाँ पे चेक भी कर रहे हैं। बाकी सब इसका नॉर्मल आया हुआ है, कुशिंग अल्सर भी नहीं है। मैनेजमेंट के बारे में क्या सोच रहे हैं? आईवी फ्लूइड चलाएंगे, ऑक्सीजन इनहेलेशन देंगे, पेनिसिलिन देंगे 1.2 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट, पैंटॉप के इंजेक्शन चाहते देंगे और सोडियम वेलपेट देते रहेंगे। पोस्ट ट्रॉमेटिक जो वर्कअप है उसका नॉर्मल आया है फिलहाल। सेरेब्रल एडमा इसको है इसलिए मैनिटॉल भी चला रहे होंगे, ओरल इंटेक नहीं है तो इसलिए ग्लिसरॉल नहीं चलेंगे, हाइपर वेंटिलेट करते रहेंगे। डिप्रेस फ्रैक्चर तुम्हारी 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज के साथ 0.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा मिड लाइन शिफ्ट मिल रही है, तो इसी वजह से इन दोनों की वजह से हम लोग सर्जरी कर रहे होंगे। बाकी सब कुछ नॉर्मल है, कौन सा सर्जरी करना पसंद करेंगे? बर्ड होल। और इसका इंट्राक्रैनियल प्रेशर क्योंकि ग्लासगो स्केल 8 से कम है और एबनॉर्मल सीटी स्कैन रिपोर्ट है, इसी वजह से हम लोग इंट्राक्रैनियल प्रेशर मार्क रहे जो कि आपकी 30 mmHg इसी वजह से बढ़ी हुई है। तो रिपोर्ट क्या हुआ हमारा? रिपोर्ट क्या हुआ तो फिर 35 ईयर मेल पेशेंट विथ हिस्ट्री ऑफ हेड इंजुरी ग्लासगो कोमा स्केल ऑफ 6 एट एडमिशन, ठीक है ना, हैविंग एक मिनट, इसमें डायग्नोसिस हम लोगों ने बनाया हुआ है, एक मिनट सॉरी एनसीसीटी स्कैन ने आप लोग का दिखाया हुआ है, एक मिनट क्या दिखा रहे हैं? लेंटिकुलर ओपेसिटी व्हाइट हाइपरडेंस ओपेसिटी विथ मिड लाइन शिफ्ट ऑफ मोर देन 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो डायग्नोसिस हम लोगों ने बनाया हुआ है एक्यूट एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज, प्रोग्नोसिस इसकी गुड है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या बोला जा रहा है? डिप्रेस्ड फ्रैक्चर ऑफ मोर देन 1 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर की? यहाँ पे कम से कम 2.4 सेंटीमीटर का डिप्रेस फ्रैक्चर हो चुका हुआ है। इन दोनों की वजह से हम लोगों ने सीटी स्कैन करके देखे हुए हैं। इसका तुम्हारा इंट्राक्रैनियल प्रेशर आ रहा है 30 mmHg, और बीपी आ रहा है आपका 80/60, ठीक है ना। सेरेब्रल एडेमा इज प्रेजेंट, देयरफॉर मैनेजमेंट क्या करके रखे है? आईवी फ्लूइड, फिर ऑक्सीजन इन्हेलेशन, फिर पेनिसिलिन 1.2 मिलियन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, उसके साथ ही साथ पैंटॉप का इंजेक्शन, उसके बाद सोडियम वेलप्रोएट, ठीक है ना, एंटी कन्वल्सेंट, लेकिन पोस्ट ट्रॉमेटिक कुछ भी नहीं हो रहा है। सेरेब्रल एडेमा के लिए हम लोग दे रहे हैं मैनिटॉल 20% 1 ग्राम पर kg, फिर हम लोग इसको एडवाइस फॉर हाइपर वेंटिलेशन
हाइपर वेंटिलेशन, ठीक है ना। उसके बाद सर्जरी का प्लान फॉर सर्जरी, प्लान फॉर बर होल सर्जरी, ही हैज़ बीन प्लान फॉर बर होल सर्जरी। ये था हमारा आज का केस, ठीक है ना। थैंक यू।